नमस्ते दोस्तों, जगदम्बा नंदन शुक्ला चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं दही परवल रेसिपी के साथ आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए 1 पाव परवल चाहिए, जिसको मैं इस तरह छील के ऊपर से ऐसे और ये चार तरफ से काट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको ऐसे और इस तरह दोनों तरफ से, लेकिन ये अलग नहीं होना चाहिए, काट के इसको फ्राई कर ली हूँ तेल में। तेल देखिए इस तरह ये हो चुका है मेरा। इसके अलावा मसालों में देखते हैं। मसाल चूँकि दही परवल है, इसके लिए मैंने 50 से 60 ग्राम दही लिया है और इस चम्मच से 4 चम्मच, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 कली लहसुन कूट ली हूँ। इसको आप पेस्ट बना लीजिए। ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, एक टमाटर, 2 मीडियम प्याज कटा हुआ, धनिया पत्ती कटी हुई और नमक इसके लिए चाहिए। अब दोस्तों मेरा चूंकि परवल पहले से ही मैं भून ली हूँ, तो इसको निकाल लेते हैं। ये हो चुका है अच्छे से, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। दोस्तों कढ़ाई में तेल गरम है, चूंकि इसमें हम आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 से 3 पत्ती तेज पत्ता का डालेंगे और 1 चुटकी हींग डालेंगे। इसको भूनेंगे। जब जीरा ब्राउन कलर में हो जाए, भूरे रंग में आ जाए, जब अब मेरा जीरा हो गया है, इसमें प्याज डालेंगे, दोस्तों भूरा होने तक इस प्याज को भूनते हैं। अब मेरा प्याज तैयार हो गया है, इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। जब ये अदरक लहसुन प्याज भून जाएगा, तब बाकी सभी मसाले हम डालेंगे इसमें। दोस्तों अब ये हो गया है, इसमें हम कटा टमाटर डालेंगे। दोस्तों ये अब इसमें हम इस चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इतना ये अंदाज देख लीजिए। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच ही जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, और इसे भूनेंगे। ये भून गया है, इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। अब मसाले तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ न दे। मेरे मसाले भून के तैयार हो गए हैं, इसमें से तेल ना निकलने लगे। जब ये तेल छोड़ने लगता है तो मसाला तैयार हो जाता है भून कर। ये देखिए मसाला कढ़ाई छोड़ दिया है, ये पूरी तरह भुना गया है। अब इसमें हम फेंटी हुई दही मिला देते हैं। चार
चम्मच मैंने दही मिलाया है। मेरा चम्मच आपको दिखा ही चुके हैं, इसे चलाते रहेंगे नहीं तो दही फट जाएगी। इसे चलाते हुए ही इसको पकाते हैं। देखिए ये तेल छोड़ने लगा है, ये पूरा पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसमें हम 400 ml देखिए मैंने पानी लिया है। इसमें इसको अंदाजा अनुसार जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने पसंद के अनुसार डाल लेंगे इसमें पानी। आप गाढ़ा ठीक रखना चाहते हैं तो गाढ़ा ग्रेवी बनाइए, पतला रखना चाहते हैं तो पतला ग्रेवी बनाइए। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं, नमक टू टेस्ट ऐड करेंगे। अधिक खाते हो तो उस अपने अनुसार डालें, कम खाते हो तो उसके हिसाब से डालें आप। ये हो गया। अब इसमें एक उबाल आने के बाद इसमें परवल डाल देंगे। ये ग्रेवी तैयार हो गई है, अब इसमें हम परवल डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि परवल में ग्रेवी अच्छी तरह भीग जाए। ये स्वादिष्ट दही परवल तैयार हो चुका है। अब फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे, गैस को स्विच ऑफ करेंगे। दोस्तों ये दही परवल तैयार हो गया है, अब इसे आप धनिया पत्ते से गार्निश कर दीजिए। और ये खुद खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने कमेंट्स मुझे दीजिए। आगे फिर नए रेसिपी के साथ दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।